हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो बहुत सारे इस चैनल पे हमने काफ़ी क्लासेस ली, काफ़ी वीडियोस हमने देखे, काफ़ी लेक्चर्स आपने सुने होंगे मेरे। पर आज सोचा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, डिफरेंट इस सेंस में कि देखो, बहुत बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं पर वो एक्चुअली पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, दिल भी करता है अंदर से कि यार नहीं पढ़ाऊँ पढ़ूँ, और पढ़ने की कोशिश भी करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और पर पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम छोटी सी है ना, एक छोटी सी वीडियो, और एक छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी बात करने वाले हैं। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इनहेंस और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है कि आप किस तरह से पढ़ सको, ठीक है। देखो, तो एग्ज़ाम्स आते हैं करीब, या फिर बहुत ज़्यादा जनरली जब बर्डन आता है या बहुत ज़्यादा सिलेबस निकल जाता है, फिर हम पढ़ नहीं पाते, वक्त निकल जाता है, तो हम सोचते हैं कि इस तरह से हमारी जो पढ़ाई है ना वो पूरी तरह से एक कंट्रोल में आ जाए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, और हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि हमारे माइंड में ये आ जाता है कि यार ये हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे सिलेबस निकल गए हैं, बहुत सारा टाइम निकल गया है, ये सोचते रह जाते हैं, और ये वक्त जो है वो निकलता चला जाता है, टाइम निकलता चला जाता है, और सिर्फ इस वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो अगर आप नए हो चैनल पर, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो जो इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ रहूँगा एग्जाम तक, तो इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास। तो कोई पढ़ाई की तो आती ही है, और इस तरह की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, और ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि देखो, जो मोटिवेटेड वीडियो, मोटिवेशन बेस्ड वीडियोज़ होते हैं ना बच्चों, तो वो लोग एक बार सुन लेते हैं, ठीक है, मोटिवेटेड हो गए, और हो गए बहुत से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड अगर आप हो गए, 4 दिन रहेगा, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद वो बैटरी ना फिर से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से बैटरी डाउन। तो उसको फिर से चार्ज करने के लिए आपको सेम वीडियो या सेम इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो चलो आज बात करते हैं हम लोग इसी टॉपिक पर कि किस तरह से जनरली हमें पढ़ने में डिस्ट्रैक्शंस जो आते हैं उसको रिमूव करके हम अच्छे बेटर स्टडी की तरफ हमें किसी तरह से प्लान करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मे बी हेल्पफुल होगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ने में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी क्रिएट होती हैं, आपका मन नहीं करता, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, या आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बोझ है कि जनरली हम नहीं कर सकते, आपका माइंड ऐसा कहने लगता है कि यार बस हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आप नहीं पढ़ना चाहते, आप नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो देखो, आपको ना पहले उसके लिए इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं होता। आप ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं कर सकते, आई कैन चैलेंज यू, आप ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको ना इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट लाने के लिए आपको बहुत ही एक अच्छा सा वे ढूंढना है कि आप अपने अंदर ये ढूंढो कि आपको पढ़ने में, यानी कि किसी बुक को स्टडी करने के लिए, या कोई ऐसी लॉजिकल, या कोई ऐसे बुक्स आपके आसपास, या आप ला सकते हो उस चीज़ को, ताकि आप उसको देख करके पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप उसको सिर्फ रीड करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी टाइप जो बुक्स होती हैं, आप उसको पढ़ना अगर स्टार्ट करोगे ना, आप एक दिन पढ़ो देखना, एक पेज पढ़ने के बाद भी ना आपके अंदर एक इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, अरे ऐसा था। तो उनके बारे में आप अगर, फॉर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि आप APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की बुक पढ़ने से आपके अंदर पढ़ने की चाहत आती है, और जब पढ़ने की चाहत आएगी ना, तो फिर आपको रीड करोगे, और रीड करते 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 एक तरह से आपको लगेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और आप पढ़ने के रास्ते पर चल पड़ोगे, जिससे क्या होगा आपके लिए फिर धीरे 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 टाइम को मैनेज करना, टाइम को स्विच करना, यानी कि अपने इस ऑटोबायोग्राफी टाइप बुक से अपने सिलेबस के बुक पर स्विच करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज अब आप टाइम देने के लायक हो चुके हो और आप उस रास्ते पर चल चुके हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड हैकिंग। देखो, आपने ब्रेन को, आपको ना ब्रेन को हैक करना पड़ेगा। हैकिंग तो सब जानते होंगे, हैक करने का मतलब आपके ब्रेन को आपको खुद के कंट्रोल में करना पड़ेगा। पता है, अब ये कैसे हो सकता है सर, खुद का ब्रेन खुद के कंट्रोल में कैसे? देखो, दूसरे का ब्रेन खुद को कंट्रोल में करना बड़ा आसान लगता होगा, सबको कर भी लेते हैं, लेकिन खुद का ब्रेन खुद के कंट्रोल में होता ही नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं, खुद का ब्रेन खुद के कंट्रोल में, यानी हैक कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए एक बहुत बेहतर तरीका है। फॉर एग्जांपल, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, और आप अचानक से माइंड मिला तो यार ये तो इसका एग्ज़ाम है मेरा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप माइंड को, आप ब्रेन को कहते हो यार एक चैप्टर है पूरा, आपका ब्रेन कहता नहीं बहुत बड़ा है, छोड़ दो, रहने दो, नहीं होगा, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, या कुछ भी ऐसे बहाने निकल के आ जाते हैं ब्रेन के अंदर से। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन के साथ थोड़ा गेम खेल लो, कैसा गेम? टाइमर गेम। 20 मिनट्स टाइमर गेम खेलो आप। 20 मिनट्स टाइमर गेम का क्या मतलब है? देखो, ध्यान सुनना, 20 मिनट टाइमर गेम, आपको इस टॉपिक सेलेक्ट करो और अपने ब्रेन को कहो, देख भाई 20 मिनट पढ़ना है, बस ये टॉपिक 20 मिनट में समझ में आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, रख देंगे भाई, तो वैसे भी नहीं पढ़ना,
तो ऐसा करो ना, आप अपने ब्रेन को कहो कि इसे सिर्फ 20 मिनट समय पढ़ना है, 20 मिनट पढ़ना है, और टॉपिक को 20 मिनट में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, ऑब्वियसली कोई छोटा सा टॉपिक, जो टॉपिक होते हैं बुक्स के अंदर, टॉपिक में चैप्टर की बात नहीं कर रहा, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं उसे 10 मिनट में पढ़, रीड करने में उसे 5-10 मिनट लग जाते हैं, और उसके समझने के लिए 10 मिनट काफ़ी होता है। मतलब 20 मिनट्स आप उसको पढ़ के देखो, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। एंड मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ये मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इन चीज़, मैंने देख ये ऑब्जर्व किया है मैंने इस चीज़ को, हमने प्रैक्टिकली करके देखा है ये, तब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो, और ये 20-20 मिनट्स का जो टाइम गेमिंग है ना, ये आपको बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत बड़ा जनरली आउटपुट ला के देगा आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पढ़ने के रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से माइंड से गेम खेलना है। और दूसरी बात ये कि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उस डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्शन की बात में कर रहे हो, तीसरी बात है, डिस्ट्रैक्शन की बात करने से पहले ये है कि देखो, डिस्ट्रैक्शन आपको किस चीज़ में, देखो जो आजकल जो टाइम है ना डिस्ट्रैक्शन की, वो ये है कि भाई वीडियो गेम है, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, टीवी है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होती है घर के अंदर, और सबके अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है। तो आप ऐसा करो ना, किसी एक डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आप दूसरे डिस्ट्रैक्शन पर स्विच करो। अब ये क्या कह रहे हो सर, एक डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाओ अपनी लाइफ में। यस, एक नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन हटाओ और दूसरा पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन लाओ। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल है ना, FB और जो भी सोशल मीडियाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी है, आप उनको हटाओ और उनकी जगह कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन लाइक कोई ऐसी चीज़ है आप स्टार्ट करो। लाइक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि आप कुछ रीडिंग स्किल्स अपने अंदर स्टार्ट करो, कुछ ऑटोबायोग्राफी किसी की पढ़नी है स्टार्ट करो, कोई ऐसी मोटिवेटेड चीज़ें स्टार्ट करो पढ़ना, जिससे आपको आपको इंटरेस्ट आने लगे उसके अंदर। तो ये भी एक तरह का आपका है ना डिस्ट्रैक्शन, लेकिन है डिस्ट्रैक्शन, पर ये आपके लिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ओके, तो स्टार्ट करो आज से ही, एंड डोंट फॉरगेट कि आपको छोटी छोटी, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े पढ़ाई से ही आपको बहुत आगे तक जाना होता है, और आपको बहुत ही आसानी के साथ सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि ऐसी वीडियोज़ या मेरे साथ आप बने रहो, ताकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मोटिवेशन, देखो मैं पढ़ाने के अलावा ये भी मैं कभी कभी करता रहता हूँ, तो आप मेरे वीडियोस भी देखते हो, 9th 10th 11th 12th, अब जिस बोर्ड से हो आप उस बोर्ड से आप आराम से हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो वो भी आप देखो, एंजॉय करो, बट पढ़ाई करो। और सबसे जो मेन बात वो ये है कि हार्ड वर्किंग से अच्छा है आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो आजकल ना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको इन बातों को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।